शास्त्र कहता है दुनिया में केवल एक भागवत को श्रीमद् भागवत कहेंगे, विष्णु पुराण को विष्णु पुराण कहेंगे, अग्नि पुराण को अग्नि पुराण, पद्म पुराण को पद्म पुराण, सारे पुराणों को केवल पुराणों की गणना दी गई है, केवल शिव को शिव की कथा को इस शिव महापुराण को महासंबोधन से संबोधित करा है। पुराणों के भी जो पुराण है, पुराणों का भी जो आधिपत्य स्थापित करने वाली है वो शिव महापुराण। महाराज भागवत केवल पितरों को तारती है और शिव महापुराण शास्त्र कहता है, शास्त्र वर्णन करता है, कोई वेधव्य नारी विधवा नारी अगर शिव महापुराण की कथा सुनती है तो पति के लोक को जाती है, कोई पुरुष शिव महापुराण की कथा सुनता है तो परम धन को सुख को प्राप्त करता है, कोई कुंवारी कन्या शिव महापुराण की कथा सुनती है उसको सुंदर वर प्राप्त होता है और उत्तम कार्य सिद्ध होता है, कोई लड़का कथा को सुनता है तो उत्तम कन्या प्राप्त होती है, कोई सौभाग्यवती नारी अगर कथा को श्रवण करती है तो 7 जन्म तक विधवा का रूप धारणती नहीं है, अखंड सौभाग्य लेकर जाती है, वो कभी वेधव्य रूप में नहीं जा सकती, अखंड सौभाग्य शिव महापुराण का प्रमाण। पितरों के 3 क्रम है, आहुत पितर और वासु। आहुत किसको कहते हैं, जो गर्भ से जन्म लिया या गर्भ में 6 महीने से लेकर जन्म लेने के बाद मर गया, अवर्षण हो गया, वो आहुत कहलाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में शास्त्र कहता है कुमारी अवस्था में मरे हुए व्यक्ति को ना तो तर्पण होता है, ना तिलांजलि होती है, ना पिंडदान होता है। कुमारे व्यक्ति को पिंड नहीं मिलता, कुमारे व्यक्ति के नाम से तुम ब्राह्मण को भोजन कराओ उसको फल नहीं मिलता, कुमारे व्यक्ति का तर्पण करो तो वो नहीं होगा। कुमारा अगर मरता है तो उसको ना तो पिंड मिलता है, ना तर्पण मिलता है, ना आहुति मिलती है, ना जल मिलता है। इसलिए कुमारे व्यक्ति को अगर आहुतों को परम धाम मिलता है तो भागवत से भी प्राप्त नहीं होता। भागवत तो केवल पितर तारती है, ये आहुत को भी तार रहती है। आहुतों को जल नहीं मिलता, तर्पण नहीं होता, पिंड नहीं होता, पर ये आहुत को भी तार रहती है। सकल सिद्धि देगी।